और एक नया दिन और एक नया जर्नी, उसी के साथ मैं सचिन साहू इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वाटरफॉल है, उसका नाम है खम्बेश्वरी वाटरफॉल और ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ जाने के लिए हमें पहले कैसेवाल जाना होगा और उसके बाद सुल के बाद सुलगुड़ा है और सुलगुड़ा से ही हम जाएंगे खम्बेश्वरी वाटरफॉल। तो चलो अभी पहले हम चलते हैं यहाँ से कैसेवाल और उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी हम केसेवाल के पेट्रोल पंप के सामने ठीक हैं और यहाँ पर सब पहुँच चुके हैं, वो हैं डोलाचंद भाई आप देख सकते हो और सारे दोस्त लोग आ चुके हैं। तो यहाँ से चलो चलते हैं सोल और उसके बाद सोलगुड़ा। तो चलो चलते हैं। अभी हम सोल क्रॉस कर चुके हैं और ये एक पहाड़ है, यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ड्रोन शॉट यहाँ का लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे सोलगुड़ा पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से जाओगे तो बादलगिरी और यहाँ से जाओगे तो खम्बेश्वरी वाटरफॉल। यहाँ से शायद लगभग 10 किलोमीटर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है आने के बाद पता चलेगा। तो देख सकते हो रास्ता कैसे ख़राब है, ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। कुछ ही देर में हम अभी कोटामुंडा पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जाएंगे खम्बेश्वरी वाटरफॉल। रास्ता पूरी तरह से ख़राब है, हमारा तो हालत ही ख़राब हो गया। यहाँ के लोकल लोग को पूछ के हम अभी यहाँ तक आ चुके हैं। तो आगे चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। इस रास्ते पर आप आएंगे तो ये लकड़ी का ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको। ये लकड़ी का ब्रिज है, इसे क्रॉस करना पड़ेगा। प्रकाश भाई अभी जा रहे हैं। तो फाइनली अभी हम कोटामुंडा विलेज पहुंच चुके हैं। देख सकते हो ये कोटामुंडा विलेज है और यहाँ अभी हम गाड़ी सब पार्किंग कर चुके हैं और यहाँ से अभी हमें पैदल चलना पड़ेगा नीचे की तरफ। इस रास्ते पर जाना होगा। तो यहाँ जूता खुल के जाना पड़ेगा। ये सब जा रहे हैं, देख सकते हो। मैं भी अभी जाने वाला हूँ जूता खोल के। जूता तो मैं भी खोल चुका हूँ। मैं अभी अकेला ही जा रहा हूँ। मेरे आगे दो लोग हैं और पीछे और सब हैं।
डोलाचंद भाई भी पीछे आ रहे हैं वो अपना ब्लॉग बनाते हुए, और मैं कहाँ आ गया मुझे अभी पता नहीं। फाइनली दोस्तों हम अभी नज़दीक पहुँचने वाले हैं, ये देख सकते हो ये रास्ता है कैसे जाना पड़ रहा है, ये कौन से पेड़ पौधे हैं ज़रा पूछ के बताता हूँ। तो ये इम्यूस भाई हैं हमारे साथ अभी जा रहे हैं, ये गाइड कर रहे हैं हमें, यहीं कटामुंडा विलेज के ही हैं और इनके बगैर हम अभी आ नहीं सकते थे तो इन्हें बुला के लाए हैं। रियल लाइफ का जिम है, ये देख सकते हो कितनी मुश्किल से नीचे उतरना पड़ रहा है, और नंदू भाई भी एक बड़ा बैग लेके नीचे जा रहे हैं। लेवल थ्री का बैग है ये, बहुत सारा सामान इसमें कैरी कर रहे हैं। आएंगे तो खाना वाना लेके आना, क्योंकि नीचे आएंगे ऊपर जाने के टाइम खाना के बहुत जरूरी। हाँ सही बात है। ये देख सकते हो डोलाचंद भाई यहाँ कैसे नीचे जा रहे हैं, बहुत रिस्क है यार, अगर आप आ रहे हो तो देख के आना। देख सकते हो ऐसे जाना पड़ रहा है, यहाँ पर सब अभी थक चुके हैं और रेस्ट कर रहे हैं ये सब, और प्रकाश भाई भी थक चुका है भाई, यहाँ मैं दोबारा नहीं आना चाहता। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी मुश्किल के बाद अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, मेरा शर्ट का भी देख सकते हो कॉलर भी चेंज हो चुका है, और ये है जो खम्बेश्वरी वाटरफॉल, आपको ये जो दिखाई दे रहा है यही है खम्बेश्वरी वाटरफॉल, और हम यहाँ अभी पहुँच चुके हैं, नीचे भी आ चुके हैं, तो यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ, तो इसे देख लीजिए। We'll be right back.
अगर आप इस वाटरफॉल आने के लिए सोच रहे हैं तो अकेले मत आइए, क्योंकि ये बहुत डीप फॉरेस्ट है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। आप आएंगे तो 5 से 6 जन ग्रुप में आइए, और हम तो 8 से 9 जन आए थे, लेकिन उसमें भी मुश्किल पड़ा। तो आपसे कहता हूँ कि ग्रुप में आइए, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आता है, तो अकेले या 2 जन आएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ज़्यादातर शॉप या दुकान वगैरह नहीं रहता है, तो आप पेट्रोल या खाने की चीज़, पानी, ये सब लेकर जाइए, वहाँ पर नहीं मिलता है, किसी लोकल गाइड को लेकर साथ जाइए। मेरे साथ जो प्रकाश भाई थे, उनका भी एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे भी देख लीजिए। उनका भी बहुत अच्छा ड्रोन शॉट मिलता है देखने को, तो उसे भी देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ।